नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबको और एक नए वीडियो में आपका चैनल सिर्फ और सिर्फ मिनिएचर गैरेज में। लगभग एक महीना लास्ट वीडियो हमने डाला था जो गिव अवे जो रिजल्ट था उसके बारे में। उसके बाद एक महीना पूरा का पूरा मैंने ना कोई वीडियो डाल पाया ना कोई पोस्ट, पूरा का पूरा सुनसान खाली पड़ा रहा ये चैनल। कुछ लोग तो सोचने लगे कि गए भाई काम से, ये मिनिएचर गैरेज तो वैनिश हो गए यूट्यूब से और कोई भी वीडियो नहीं आने वाला। और बहुत कम लोग मेरे को शायद जेन्युइनली मिस किया है। तो जिन जिन बंदों ने मेरे को मिस किया है वो नीचे मेरे को कमेंट करके बताइए कि आप क्यों मेरे को मिस किया है। लेकिन दोस्तों कुछ पर्सनल रीजंस थे, मेरे जो तबीयत थे वो डाउन थे और कुछ अपडेट का काम चल रहा था स्टूडियो में। पूरा का पूरा अपडेट अभी भी नहीं हुआ, काम अभी भी चल रहा है। लेकिन फिर मैं वीडियो बनाने का जो पोजिशन है वो थोड़ा सा डेवलप हो चुका है अभी। तो मैं सोचा क्यों ना अब सब लोगों को जो रीजंस थे उसके बारे में बताया जाए और इस वीडियो में थोड़ा सा बात करते हैं। बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रहा है और एक बार। तो चलिए दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है वाल्मीकि, चैनल का नाम है मिनिएचर गैरेज विद अ बिग स्माइल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके दोस्तों, तो जिस चीज के बारे में मैं बात कर रहा था, तो क्यों मैं वीडियो नहीं डाल पाया, तो जनवरी में जब मैं गिव अवे का अनाउंसमेंट किया, फिर बहुत सारा टाइम मेरे को लगा जो गिफ्ट्स है वो सबको भेजने के लिए। तीन बंदों ने गिफ्ट विन किया था, उस तीन बंदे के पास गिफ्ट मैंने सही सलामत पहुंचा दी। उन तीन बंदों मेरे को रिटर्न बैक भी किया था कि भैया आपका जो पार्सल है वो सही सलामत मेरे को रिसीव हो चुका है एंड थैंक यू। फिर मैं पड़ा बीमार और ऐसा बीमार मैं लाइफ में पहली बार पड़ चुका हूँ। तो जो बीमार है वो मेरे को पूरा का पूरा बेड रिडन कर दिया था, तो वो भी गया। और फिर शुरू हो गया था बुक फेयर जो कि कोलकाता का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है यहाँ पर। तो मैं बुक फेयर के काम में भी बिजी हो गया, तो चैनल में ना कोई वीडियो ना कोई पोस्ट, कुछ भी अपडेट मैं नहीं कर पाया। साथ में मेरा जो इंस्टाग्राम है, मेरा जो फेसबुक है, उसमें भी पूरा का पूरा खाली पड़ा है, ना कोई पोस्ट। साथ में कुछ फंक्शन भी था मेरा, तो कुछ ऐसा रीजन था। लेकिन सबसे बड़ा रीजन जो था वो था इस स्टूडियो का अपडेट। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि कुछ पोस्टर मैंने लगवाए, कुछ गाड़ी का जो केसेस मैंने रखे हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा अपडेट जो है वो मैं आप लोगों को साथ शेयर करूंगा। ओके दोस्तों, तो दिस इज द रूम एंड अभी मैंने ये नया वाला शूटिंग स्पॉट बनाया है। मैं पहले वहां पर बैठ के वीडियो बनाता था, लेकिन अब मैं यहाँ पर बैठ के वीडियो बनाता हूँ। अभी भी बनाना चालू नहीं किया। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक छोटा सा टेबल है, तीन जो आर्टिफिशियल प्लांट्स मैंने रखा है इधर, साथ में दो रिंग लाइट जल रहा है ऊपर, और यहाँ पर 2014 का मेरा सबसे बड़ा परचेस आ चुका है। ये गाड़ी कल डिलीवर हुआ, डिलीवर किया है रुचित भाई ने। इन दोनों गाड़ियों का अल्ट्रोज एंड हैरियर रिव्यू आने वाले है। बहुत ही धमाकेदार धांसू गाड़ी है, तो मैं उम्मीद करूंगा आप सब लोग मेरे साथ इस गाड़ी के रिव्यू के लिए इंतज़ार कर रहा है। और ये जो टेबल है थोड़ा सा छोटा टेबल है, इस टेबल के ऊपर मैं अब वीडियो बनाता हूँ। लेकिन पहले मैं इधर बैठ के वीडियो बनाता था और फिर मेरे लाइफ में आए ये महाशय। आप लोग देख सकते हो ये एक गेमिंग व्हील है। जब लास्ट दिसंबर में मेरे को यूट्यूब के तरफ से पेमेंट मिला था, यूट्यूब के पेमेंट के मदद से ही मैं ये गेमिंग व्हील ले पाया और उसके बाद इसको सेटअप करने के लिए मेरे को बहुत टाइम लगा। इसका जो इंटरनल गेमिंग सेटअप है आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर गेम चल रहा है ETS 2। आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये गेम खोल के रखा है। प्लस ये जो स्टीयरिंग व्हील है इसको सेटअप करने के लिए मेरे को बहुत टाइम देना पड़ा। कहाँ सेटअप करूँ, कैसे सेटअप करूँ, पहले समझ में नहीं आ रहा था। इसके वजह से मेरे को बहुत टाइम देना पड़ा जनवरी में, और जनवरी में इतना सारा इवेंट्स था क्या बताएं। तो चलिए दोस्तों एक बार इस सेटअप के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर जो है एंटी स्पोर्ट्स का एक कीबोर्ड आपको देखने को मिलता है। ये जो कीबोर्ड है बहुत टाइम पहले मैंने परचेस किया था, बहुत अच्छा कीबोर्ड है एंटी स्पोर्ट्स के तरफ से। और इसके पीछे आपको गेमिंग व्हील देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बाद में बात करते हैं। मेरा मेन जो ड्राइवर है वो है लैपटॉप एसर नाइट्रो 5। 3 साल पुराना लैपटॉप है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा काम करता है। पोट्रॉनिक्स का एक कीबोर्ड जो कि वायरलेस है, माउस कीबोर्ड मैं हाल ही में परचेस किया है। ये दोनों मैं काम के वजह से
ले रखा है, दो कीबोर्ड सेटअप है मेरा एक्चुअली, साथ में ये जो मेन चीज़ है एंट स्पोर्ट्स का गेमिंग व्हील, इसका जो मॉडल नंबर है वो है GW180। हाल ही में मैंने इसको परचेस किया है, हालांकि ये एक बजट व्हील है, इसका प्राइस जो है मेरे को देना पड़ा 7.5K या आई कैन रिमेंबर 7.5K, लेकिन इस बजट में ये जो व्हील है काफ़ी अच्छा है। सबसे पहले ये जो व्हील है पूरा का पूरा मैट ब्लैक फिनिश के साथ आपको मिलता है, रबर फिनिश है, और ये व्हील पूरा 270 डिग्रीज तक रोटेट होता है, कुछ इस तरह आप लोग देख सकते हो, 270 डिग्रीज तक ये व्हील रोटेट होता है। साथ में दो पैडल्स आप लोगों को मिलता है, एक है ब्रेक पैडल्स, एक है एक्सेलेटर पैडल्स। ऑब्वियसली इस रेट में आपको क्लच पैडल या साथ में जो गियर शिफ्टर वो तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये व्हील भी बहुत बढ़िया काम करता है। अगर आप इस व्हील को, ये जो सब बटन्स है, आप इस गेम के साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हो, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। अगर आप इस बटन को प्रेस करते हो तो मेरा जो गाड़ी का साउंड है वो ऑन हो जाएगा, इंजन जो है वो ऑन हो जाएगा। एक बार मैं पार्किंग ब्रेक ऑन कर लेता हूँ। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये जो गाड़ी है, अभी तो पार्किंग ब्रेक मैंने ऑन करके रखा था। ओके, तो चलिए एक बार हॉर्न बजा के देखते हैं। ये हो गया इंडिकेटर के तरफ से, हैजर्ड लाइटिंग भी हो गया, और जो ब्रेक पैडल्स है वो भी प्रॉपर तरीके से काम करता है। तो ये अब मेरा फेवरेट पास टाइम बन चुका है, तो मैं यहाँ पर बैठ के थोड़ा गेम वगैरह खेलता रहता हूँ। और ये जो मैप मॉड मैंने लगा के रखा है वो है बांग्लादेशी का मैप मॉड। जब मैं बांग्लादेश में गया था वहाँ पर जो बसेस मैंने चढ़े थे, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का बस था, और ये भी एक बांग्लादेशी बस है, आप लोग देख सकते हो, ये है मार्शा, जो कि बांग्लादेश में बहुत जगह चलता है। तो कुछ इस तरह जो है मैं गेम का सेटअप करके रखा है। ओके, और ये रहा मेरा करेंट सिम सेटअप। ये मेरा एक ड्रीम सेटअप है, क्योंकि मैं बहुत दिन से इसको लेने का सोच रहा था, फाइनली जब यूट्यूब का पेमेंट आया तब भी मैं ले पाया। और यहाँ पर जो सेटअप है मैंने ज़्यादा चेंज नहीं किया, डायरोमा है, एक पार्किंग मैट है, साथ में वो छोटा सा एक ट्रक है, और यहाँ पर सारा का सारा गाड़ी जो है मैंने लगा के रखा है, और यहाँ पर बहुत सारा पोस्टर्स, अभी भी बहुत सारा पोस्टर्स बाकी है लगाने के लिए, लेकिन मैं कुछ इतना ही सेटअप कर पाया। इस तरह जो है मेरा सेटअप अभी बन चुका है, और शूट का लोकेशन तो मैंने दिखा ही दिया। ओके दोस्तों, तो ये था कुछ रीजंस जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था, और ये सब रीजंस की वजह से मैंने वीडियो नहीं डाल पाया, तो सॉरी फ्रॉम माय पार्ट, लेकिन अब से ये नहीं होगा, अब से रेगुलर वीडियो आएंगे। एक हफ्ते में दो वीडियो मैं रेगुलर अपडेट करता रहता था, वो ही सेम काम मैं करूँगा। दो वीडियो के ऊपर ऑलरेडी काम मैंने चालू कर दिया है, तो आप लोगों को रेगुलर अपडेट अब से मिलने वाला है। और जैसे कि एक महीने से कोई भी अपडेट नहीं था, तो चैनल का रिच शायद गिर गया है, तो आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट मेरे को करना है। और एक खुशी की बात बताऊँ, चैनल में 7000 सब्सक्राइबर हो गया है, तो थैंक यू ऑल ऑफ माय 7000 सब्सक्राइबर टू सपोर्ट मी इन सच अ ब्यूटीफुल वे। आप लोगों को मैं कैसे धन्यवाद करूँ। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से मुलाकात होंगे अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कलेक्टिंग एंड गुड बाय।